वेलकम टू पेफी क्लासेस फ्रेंड्स। ये हमारा जनरल अवेयरनेस जो कि NVS स्पेशल के लिए बनाया गया है, और ये हमारा जनरल अवेयरनेस पार्ट टू लेक्चर है फ्रेंड्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये लगेगा इनिशियली कि नहीं, NVS में तो केवल 10 मार्क्स के केवल जनरल अवेयरनेस हैं, इसका इतना इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है, बट ये सोचना गलत होगा कि इसका कोई रोल नहीं है। यदि आपका जनरल अवेयरनेस 10 में से 8 नंबर सही हो जाते हैं, यदि आप स्कोर कर लेते हैं, तो आपका जो मेरिट लिस्ट में जो नाम होगा, जो कट ऑफ लिस्ट में होगा, वो आपका ऊपर हो सकता है, और इसके ना होने से आप हो सकता है कि मेरिट में नीचे चले जाएं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैं अपने बेस्ट नॉलेज के अनुसार इसको मैं क्लैरिफाई करके और बहुत सारे बुक्स को रेफ़र करके, जैसे कि PD है, CSR है, द हिंदी न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर है, इन सब से मैं एक अलग से नोट्स बनाता हूँ, सो दैट्स जो जनरल अवेयरनेस है उसमें कोई गलती ना हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसका पहला क्वेश्चन है आस्कर अवार्ड। ये हर एक एग्ज़ाम में आस्कर अवार्ड पूछे जाते हैं। इसमें ये भी पूछ सकता है कि हु गॉट बेस्ट एक्टर अवार्ड इन आस्कर अवार्ड्स, which was the best pictures and who was the best actress in Oscar awards। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि बेस्ट पिक्चर्स का जो अवार्ड मिला था ऑस्कर में, वो ग्रीन बुक को मिला था, और जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था वो रमी मलिक को मिला था, और जो बेस्ट एक्ट्रेस थी वो ओलिविया कोलमैन थी। और फ्रेंड्स, उससे भी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई एक क्वेश्चन आ सकता है जो कि ऑस्कर अवार्ड में इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म को रखा गया है, को पूछ सकता है कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड किसको मिला था। तो फ्रेंड्स, ये जो एक इंडियन फिल्म थी पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस करके है, ये जो है फिल्म जो है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस जो है, ये मेरठ के खापुड़ विलेज में शूट किया गया था, जिसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड मिला है। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इसको पॉज करके एक पेन और पेपर पे इसको नोट डाउन करते रहिए, सो दैट्स आपकी रिवीजन में बहुत इजीली आप रिवाइज कर सकें इस चीज़ों को। हाँ, तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, हु विच फिल्म्स गॉट बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म इन ऑस्कर अवार्ड। तो फ्रेंड्स, द करेक्ट ऑप्शन विल बी पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। ये पूछ सकता है फ्रेंड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसका फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट सिक्योर पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट सिक्योर जो है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया था और क्यों लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स, जो प्रोजेक्ट सिक्योर है, ये जो लॉन्च किया गया था, ये 4 जो हिमालयन स्टेट्स हैं, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, और सिक्किम है, इन 4 जगह पे इस प्रोजेक्ट सिक्योर को लॉन्च किया गया था, जिसका मेन मोटो था कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। जो हमारे लैंड हैं, फॉरेस्ट हैं, और जीव जंतु हैं जो कि हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, उनको संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट सिक्योर चलाया गया है, जो कि 4 हिमालयन स्टेट्स में है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट सिक्योर लॉन्च्ड इन विच स्टेट्स, तो उसमें एकाक ऑप्शन इसमें हिमाचल प्रदेश भी दे सकता है, उत्तराखंड भी दे सकता है, J&K भी दे सकता है, और सिक्किम भी दे सकता है। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन करते चलिए मेरे लेक्चर के साथ साथ। और एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें, स्वायत्त जो कि अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, स्वायत्त प्रधानमंत्री द्वारा, इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि व्हाट इज़ स्वायत्त। तो आपको यदि पता है कि स्वायत्त स्टैंड फॉर स्टार्टअप वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजैक्शंस। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली ये स्वायत्त लॉन्च हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और इसको आप नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ऑपरेशन मिशन शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये जो है अपने इंडियन स्ट्रेटजिकली बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और इसका जो पूछ सकता है कि क्वेश्चन ऑपरेशन मिशन शक्ति इज रिलेटेड विथ विच। तो फ्रेंड्स, ये जो है ऑपरेशन मिशन शक्ति जो है, ये है एंटी सैटेलाइट है,
जो कि इसका नाम है शॉर्ट में एसैट बोलते हैं, असैट बोलते हैं, जो कि इंडिया ने अभी बनाया है और किसके कोलाब्रेशन से बनाया है, DRDO प्लस इसरो। DRDO स्टैंड फॉर डिफेंस रिसर्च रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो स्टैंड फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको बनाया गया है, जो कि 27 मार्च 2019 को लॉन्च किया गया। और ये जो है इसका मेन मोटो क्या होता है असैट का, इसका मेन मोटो है कि जो भी स्पाई सैटेलाइट होती हैं दूसरे देशों द्वारा जो छोड़ दिए जाते हैं स्पेस में, ताकि जो अदर कंट्रीज़ के जो भी इंफॉर्मेशन है उसको चुराते हैं, तो उसके डिस्ट्रक्शन के लिए, उसको मारने के लिए ये जो है सैटेलाइट जो है बनाया गया है इंडिया के द्वारा, लॉन्च्ड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पाई सैटेलाइट। तो फ्रेंड्स, इसका जो रेंज है, जिसको हमें पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एंटी सैटेलाइट्स व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय द कोलाब्रेशन ऑफ DRDO प्लस इसरो, तो उसका रेंज है 300 किलोमीटर के रेंज में। यदि कोई स्पाई सैटेलाइट लॉन्च है, यदि कोई इंफॉर्मेशन अपने देश का चुरा रहा है, तो ये जो है 300 किलोमीटर रेंज तक ये फायरिंग कर सकता है, और इसका रेंज है फ्रेंड्स, ये जो है इसको बनाने वाला ये फोर्थ नंबर कंट्री हो गया है। एंटी सैटेलाइट इसके पहले भी 3 कंट्री बना चुके हैं, जो कि रशिया है, USA है और चाइना है, और चौथे नंबर पे इंडिया ने इसको बनाया है, जो कि फोर्थ नंबर कंट्री बन चुका है। तो एक क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं कि इंडिया स्टूड इन विच पोजीशन आफ्टर लॉन्चिंग द एंटी सैटेलाइट, तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ पोजीशन पे है इसके पहले। या ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच विच कंट्री लॉन्च एंड मेड एंटी सैटेलाइट फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पाई सैटेलाइट, ऐसी कौन कौन सी कंट्री हैं जो कि एंटी सैटेलाइट बना चुकी हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर रशिया, USA, चाइना। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक न्यूमोनिक मैंने बनाया है जो कि ट्रिक है, रूसी। रूसी याद कर लीजिए, R स्टैंड फॉर रशिया, U स्टैंड फॉर USA, C स्टैंड फॉर चाइना, I स्टैंड फॉर इंडिया। तो ये जो चार कंट्री हैं जिन्होंने एंटी सैटेलाइट अभी तक बना चुके हैं, और एक तरह से इंडिया जो है फोर्थ प्लेस अपना स्टैंड करता है कि चौथे नंबर की कंट्री बन चुका है, जो कि एंटी सैटेलाइट के लिए। ये फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ, ये हर एक कंपटीशन एग्जाम में इसको ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है 27 मार्च 2019 को। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑपरेशन मिशन शक्ति रिलेटेड विथ विच टाइप ऑफ ऑपरेशंस, तो ऐसे आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। मिशन शक्ति आपको पता होना चाहिए, एंटी सैटेलाइट। सो फ्रेंड्स, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। देन अगला क्वेश्चन हो सकता है फर्स्ट लोकपाल। अभी फ्रेंड्स, लोकपाल लोकपाल चलता आ रहा था कि लोकपाल बनाइए लोकपाल बनाइए, तो अभी लोकपाल का जो जो फर्स्ट लोकपाल जो बने हैं उनका नाम पूछ सकते हैं कि हु इज़ द फर्स्ट लोकपाल अपॉइंटेड। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लोकपाल अपॉइंट जो हुए उन जिनका नाम है जस्टिस पिनाकी चंद्र जोश घोष, करेक्शन, जस्टिस यानी न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष को फर्स्ट लोकपाल बनाया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, मतलब कि जो विश्व का जो हैप्पीनेस कंट्रीज हैं उनमें इंडिया का क्या प्लेस है, इस क्वेश्चन पूछ सकता है। आउट ऑफ 150 कंट्रीज़ में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला गया था, कहाँ पे सबसे ज़्यादा, किस देश में सबसे ज़्यादा खुशहाली है, तो वो जो फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं वो फिनलैंड आता है, सेकेंड पोजीशन पे आता है डेनमार्क। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में विच कंट्री हैज स्टूड ऑन फर्स्ट पोजिशन, तो आपको पता होना चाहिए फिनलैंड है, दूसरा है डेनमार्क है, तीसरा है नॉर्वे। नॉर्वे जो है थर्ड पोजिशन पे है, और
इंडिया का जो पोजीशन है, इंडिया का भी पोजीशन पूछ सकता है, जो कि 140th पोजीशन पे आता है इंडिया, और अफगानिस्तान जो है 154th पोजीशन पे आता है। सबसे फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक यहाँ पे ये लग रहा है कि जो पाकिस्तान है, जो कि टेररिस्ट ग्रुप वहीं से पनपते हैं, और वहाँ पे जो है उसका जो हैप्पीनेस इंडेक्स में जो रैंकिंग है वो 67th पोजीशन पे रैंकिंग है। ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे सरप्राइज देखने को मिल रहा है, ये जो निकाला गया है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का कौन सा रैंकिंग है, तो आपको पता होना चाहिए 140th पोजीशन पे इंडिया फॉल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IoT स्टैंड्स फॉर, और ये IoT क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन आएगा भी, और ये NTA नेट का भी क्वेश्चन है, और जो फ्रेंड्स हमारी NTA नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए, क्योंकि ICT में क्वेश्चन आ सकता है IoT स्टैंड्स फॉर। तो ये पता होना चाहिए कि IoT स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये जो है इट्स ए स्मार्ट डिवाइस यूज फॉर होम सिक्योरिटी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हम ऑफिस में समटाइम्स चले जाते हैं, वहाँ का कैमरा ऑन है कि नहीं, घर का लाइट ऑन है कि नहीं, लाइट ऑन है हो जाता है, समटाइम्स हम गीजर चला के भूल के चले जाते हैं, तो ये जो फ्रेंड्स है ये आपको क्या करेगा, ये आपको वहाँ से बैठे बैठे, अपने ऑफिस से बैठे बैठे आप अपने घर की जो लाइट्स हैं स्विच ऑफ कर सकते हैं, आप वहाँ पे लॉक लगा सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया ऐप्स है जिसको जिसका नाम दिया गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि व्हाट इज़ IoT एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ IoT, तो आपको पता होना चाहिए इट्स ए स्मार्ट डिवाइस यूज फॉर होम सिक्योरिटी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा लेक्चर नंबर 2 था, आपको कैसा लगा प्लीज़ इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा, क्योंकि 2 महीने का टाइम है आपको NVS TGT PGT एग्ज़ाम के लिए। आप ये मत सोचिएगा कि बहुत टाइम है, लॉन्ग टाइम है, हम प्रिपेयर कर लेंगे, तो ये आपकी भूल होगी, और जल्दी से जल्दी आप प्रिपरेशन को अपनी जारी रखिए, सो दैट आप अच्छे से तैयारी कर सकें। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड।